हे गाइस, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में आप सोच रहे होंगे मतलब कुछ अलग ही तरह का आपको देखने मिल रहा होगा, बिकॉज मैंने मतलब अभी तक के जो ब्लॉग किए हैं वो अलग ही टाइप के हैं, क्योंकि रूम के अंदर ज़्यादातर मैंने किए हैं अभी तक के जो ब्लॉग हैं। और आज के इस ब्लॉग में मैं घूमने वाला हूँ, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने वाला हूँ। आज ऐसी सड़कों पर घूमने वाला हूँ, इधर उधर सोसाइटी में, और आपको भी दिखाऊँगा यहाँ पर गुड़गांव में। और ये जो जगह है ये अल्मोड़ा के नाम से फेमस है, अल्मेड़ा के नाम से, सोसाइटी अल्मेड़ा के नाम से है ये। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना मत भूलना, और कमेंट करके बताना यार ब्लॉग कैसा बन रहा है। और ये जिसकी मैं बाइक चला रहा था अभी आप देख रहे थे, वो ये है अपना दोस्त विष्णु। हाँ भाई, हाय भाई, तो कर दे कुछ मोह छोड़ो। मोह, यहाँ की लैंग्वेज जो है मोह छोड़ो होती है, मतलब मुझे छोड़ो, मतलब ये बोल रहा है मेरे को वीडियो में, मतलब। सो आज के ब्लॉग में पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं हम इसके बाइक से अपने दोस्त की, तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। और आगे पता नहीं देखो कैसा भी है, मेरे को नहीं पता चल रहा कैसा ब्लॉग बन रहा है मेरा, ये इंटरेस्टिंग बन रहा है या नहीं बन रहा है। बाकी मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो हो रही है, क्योंकि आज कोई प्लान ही नहीं था ब्लॉग शूट करने का, अचानक से इसने मेरे को बोला, फिर हम निकल पड़े भाई ब्लॉग शूट करने। बोला घूमने चल रहे हैं, वैसे ही ब्लॉग शूट कर लेना। मैं चलो भाई, तो चलते हैं हम दूसरी जगह। चलें भाई, चलें कहाँ? चलो तो अब चलते हैं दूसरी जगह, पता नहीं कहाँ जाना है। तो यहाँ से निकल चुके हैं हम, अपनी बाइक उठाकर पता नहीं कहाँ जाने वाले हैं भाई। तो आगे देखने वाले बाइक की लाइव पर पीछे मत देख, फिर लोग बाद में देख नहीं देखा, लाइव देख, उसको देख लो यूट्यूब पे। तो अभी हम आ चुके हैं हल्दीराम। हल्दीराम रेस्टोरेंट है ये यहाँ पर, और ये पूरा इसकी पार्किंग एरिया है। बाकी पीछे फुहारा चल रहा है, और अभी अंदर मतलब वो तो चला गया, मैं भी देखता हूँ। रेस्टोरेंट वगैरह में पहली बार जा रहा हूँ ब्लॉग शूट करने, मेरे को बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, पता नहीं बोल पाऊँगा या नहीं ज़्यादा कुछ। मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है, बिकॉज मैं पहली बार मतलब ब्लॉग शूट कर रहा हूँ किसी रेस्टोरेंट के अंदर। सो अभी मैं आपको पूरा रेस्टोरेंट दिखा दूँगा। बाकी ज़्यादा तो कुछ, अभी ऑर्डर भी कर दिया वैसे, पता नहीं क्या मंगाने वाला है वो। विष्णु लेने गया है, कुछ लेने गया है खाने के लिए, देखते हैं क्या लेके आता है। वैसे मैंने बर्गर के लिए बोला है, शायद बर्गर लाने के लिए बोला है। ये है भाई हल्दीराम रेस्टोरेंट पूरा, हल्दीराम रेस्टोरेंट है ये। इधर बैठने का एरिया है इनका। बैठे काफ़ी देर हो चुकी है, अभी तक तो लेके आया नहीं है, पता नहीं कितनी देर लगाएगा अभी। फिलहाल देखते हैं कितनी देर में आता है, फिर खाते हैं और फिर निकलते हैं बाहर घूमने, चलते हैं फिर दूसरी जगह। अब क्या वैसे शाम भी होने वाली है, अब तो क्या घर ही जाएंगे वापस। तो बर्गर तो आ चुका है, फाइनली लेके आ चुका है बर्गर। हाँ भाई मिल गया, ये आ चुका है बर्गर हमारा, इसको दिखाना भी ये है बर्गर इसका, ये बर्गर है भाई हल्दीराम का। खा लेते हैं बर्गर फिर करते हैं बाद में बात। और मैंने माइक भी अंदर रख लिया और शोर बैकग्राउंड नॉइस में बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो भाई अभी आ चुके हैं हम बाहर। भाई अंदर तो बड़ी ज़्यादा हेजिटेशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रही भाई। मैंने अपना माइक भी अंदर रख लिया, अभी तक अंदर रखे हुआ हूँ क्योंकि अजीब सा फील हो रहा था यार अंदर, मतलब लोग शूट करते हुए। बट सो अभी हम आके बैठ चुके हैं बाहर हल्दीराम से। अंदर बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रही थी बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम था और वो भी गिम्बल मतलब ट्राईपोड और माइक के साथ, बड़ा अजीब फील हो रहा था। बहुत लोग बैठे थे अंदर खा रहे थे, तो हम चुपचाप खा पी के थोड़ी बहुत वीडियो शूट की है, बाकी आके बाहर बैठ गए। ये बाहर का एरिया है, ये मैं दिखा देता हूँ बैक कैमरे से दिखा देता हूँ पूरा। ये इसके बाहर का पार्क है हल्दीराम के। हल्दीराम ये है, इसके अंदर है, ये है हल्दीराम। जूम करके दिखा देता हूँ, ये हल्दीराम हल्दीराम। बाकी अंदर का नज़ारा तो आपने देख ही लिया है। बाकी एक यहाँ पे ये फुहारा चल रहा है, पार्क पार्क बना हुआ आराम से बैठने के लिए। फुहारा वुहारा है यहाँ पे, ठीक ठाक फुहारा है। बेटे यार पानी हो रहा है यार, किश्तीले पे जाने बोल रहा था मैं, पर पानी हो रहा है इसको, कोई नहीं। आ गए हैं, पार्क बना हुआ है, बहुत अच्छा मूवमेंट है शाम के टाइम। बहुत सारे यहाँ पर कप्स वगैरह भी आते हैं यहाँ पे, अपने खाना वाना खाते हैं, अपने आगे आते हैं, आके थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पर बहुत शाम का जो मूवमेंट होता है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा मूवमेंट होता है। बढ़िया बन को बोला हुआ है। ये लाइटिंग वगैरह भी तो होती होगी रात में, है बहुत प्यारी होती है, क्या करें बताओ भाई। अब चलते हैं दूसरी जगह। यहाँ आराम आराम कर लिया हल्दीराम के बाहर बैठ के काफ़ी। चलें भाई विष्णु दूसरी जगह, अब चलते हैं कहीं और जगह, पता नहीं कहाँ जाने वाले हैं बिकॉज आज तो ऐसे ही हो रहा है, पूरा ब्लॉग मेरा ऐसे ही है, पता नहीं मतलब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम। हल्दीराम आ गए, हल्दीराम का कोई प्लान ही नहीं था बिकॉज अगर मेरे को पता होता ना कि हल्दीराम जाना है तो पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देता कि हाँ आज हल्दीराम जाने वाले, और हल्दीराम में मैं दिखा देता, मतलब अच्छे से बता देता पहले ही। बट कोई नहीं, आज तो पता नहीं ऐसे होने वाला है, फिरंगी एक टाइप का फिरंगी व्लॉग होने वाला है। तो ये तो अभी गया है चेंज करने, उसके बाद चलते हैं, फिर ये चेंज करके आता है, फिर चलते हैं इसका। ये है इसका रूम है, यहाँ पर मतलब ये हॉस्टल टाइप का बना हुआ है वैसे, उसमें है इसका रूम। और ये बाहर का एरिया है। ओ मैं तो शरीफ गोरिए। तो अभी चलते हैं जल्दी। ब्लॉग वैसे मैंने सोचा नहीं था इतना बड़ा होने वाला, बट फिर भी काफ़ी बड़ा होने वाला है। और मैं अभी बिना माइक के ही वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज मैंने अभी माइक अपना बैग में ही रख रखा है, बैग में निकालूंगा बाद में। फिर चलते हैं कहीं और। तो भाई अब आ चुके हैं हम विशाल मेगा मार्ट में। आ चुके हैं वापस ब्लॉग पूरा वॉच करने के लिए, थैंक यू। और मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।